लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, रिलायंस पेट्रोल पंप एक बार फिर से बंद किया जा सकता है। एक बार फिर से ऐसे हालात जो है 2008 जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है, बढ़ोतरी है, कंपनियों का नुकसान बढ़ता जा रहा है। इन हालातों में रिलायंस पेट्रोल पंप एक बार फिर 2008 जैसे हालात जो है वो पैदा हो चुके हैं। वहां पर गौरतलब है कि कच्चे तेल का दाम तब जो है वो $150 प्रति बैरल पहुंच गया था। रिलायंस ने अपने सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे। रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई, जो कि 4.5 महीनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखने को मजबूर तेल कंपनियों के लिए नुकसानदायक साबित हुए हैं। इस समस्या से देश में फिर से 2008 जैसे हालात पैदा होंगे। रिलायंस ने 2008 में 1,432 पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए थे और अब जो है एक बार फिर से वैसे ही हालात पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रिलायंस एक बार फिर से अपने पेट्रोल पंप को बंद कर सकता है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आरिन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।